नमस्कार साथियों, न्यूज़ 5 भारत में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, और वो सवाल क्या है वो इस वीडियो में भी है और मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप लोग जितने भी SSC GD स्टूडेंट हैं, 2018 मेडिकल फिट फिजिकल फिट कैंडिडेट्स हैं, आप लोग अपने स्कूल के लाइफ में, जो स्कूल लाइफ है आपका दो साल उसमें आप NCC की पूरी तैयारी करते हो, दो साल उसमें, और जब आप कॉलेज में आते हो वहाँ पे भी आप सभी को 3 साल लगातार NCC की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि टोटल 5 साल। इन टोटल 5 सालों में आपको छोटे मोटे शस्त्र से सिखाने से सिखाया जाता है, और आप क्या बोलते हो इसको, परेड करवाया जाता है आपसे, मार्चिंग करवाई जाती है, आप सभी लोग अपना पूरा मेहनत पसीना बहा देते हो इस 5 साल में NCC को लेकर, ताकि आप लोग अपने फ्यूचर में, या आप जब आपका फ्यूचर कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तब आप SSC ज्वाइन कर लोगे, आप फौज में भर्ती हो जाओगे, CRPF, NIA, अन्य जगह पे आप चाहोगे भर्ती हो सके और इस देश की सेवा करना सकोगे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप सभी लोगों को, जब आप 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है, 2 SSC GD स्टूडेंट के, मेडिकल फिट होने के बावजूद भी, फिजिकल फिट होने के बावजूद भी आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। आप लोग उसके ऊपर बातें करते सरकार की तरफ से, सरकार को आप लेटर लिखते हैं, सरकार से आप ट्वीट करते हैं, सरकार को आप मेल करते, सब कुछ करते, सब सारा प्रयास आप लोग कर लेते हो। अब आपने अपना 3 साल 2018 से लेके अब तक सरकार से कई वार्तालाप किए होंगे, सरकार को कई मेल, ट्वीट्स, कॉल, लेटर दिए होंगे आपने अपनी ज्वाइनिंग लेटर मांगने के लिए, जो आपका हक है, जिसके लिए आप लोगों ने स्कूल कॉलेज मिलाकर 5 साल, और जब SSC का फॉर्म भरा होगा आपने, उसका परीक्षा, उसकी मेडिकल फिट फिजिकल फिट मेहनत करने का वो अलग से, उसको मिला के आपने मिला, उसको इतना साल आपने अपना मेहनत किया आपने, और आपने सरकार से केवल एक चीज़ मांगी है, वो है आपका हक, एक ज्वाइन लेटर, ताकि वो आप सभी लोग जो है इस देश की सेवा कर सको। लेकिन सरकार आपकी पता नहीं सुन नहीं रही है, या फिर आपकी सरकार की क्या तकलीफ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली में धीरे धीरे करके जो है अनलॉक किया जा रहा है, जो लॉकडाउन लगा था वो धीरे धीरे करके अनलॉक किया जाएगा। तो न्यूज़ 5 भारत, आप जितने भी तमाम SSC GD स्टूडेंट 2018 मेडिकल फिट फिजिकल फिट कैंडिडेट्स, उन सभी को एक बात कहना चाहता है कि आप सभी लोग जब दिल्ली में अनलॉक होगा, आप एक बार दिल्ली आइए, और इस बार जब आप दिल्ली आएंगे आप अपना पूरा जो है होमवर्क करके आइएगा, यानी कि आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा, ताकि आपसे कोई भी अगर प्रश्न पूछे तो आप तर्क वितर्क करने के योग्य रहो, ताकि आप कहीं अटको ना कोई आपसे अगर सवाल पूछे तो। अगर आप सरकार से भी जाके आप जो है अपनी हक से ज्वाइन लेटर मांग सकते हो, जो आपका 3 साल आपने मेहनत किया है इस ज्वाइन लेटर के पीछे, वो आप सरकार से मांग सकोगे। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप दिल्ली आएंगे तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान भी ज़रूर रखिएगा। और आज का हमारा जो वीडियो है वो एक मेगा धरवाल का है, उसने भी यही सेम प्रश्न उठाए हैं और कई सारे अन्य प्रश्न उठाए, और उनका जो आप ज्ञान जब सुनोगे ना, जिस प्रकार से उन्होंने जो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, ताकि जब दिल्ली आए, जब जितने भी तमाम SSC GD स्टूडेंट हैं जब दिल्ली आएंगे वो अपनी आंदोलन में, अपनी ज्वाइन लेटर मांगने के लिए, तो सरकार से तर्क वितर्क करने के योग्य रहे। वो इतनी तैयारी कर रही है, मैं जितनी भी तमाम SSC GD स्टूडेंट हैं उन सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी भी उसी तर्ज पे तैयारी कीजिए, ताकि जब आप दिल्ली आए तो आप जो है वार्तालाप करने के योग्य रहो। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिए कि मेघा धरवाल क्या कहना चाहती है। और मैं अंत में माननीय गृह मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी भी तमाम SSC GD स्टूडेंट हैं 2018 मेडिकल फिट फिजिकल फिट कैंडिडेट्स, उन सभी को ज्वाइन लेटर दी जाए, ताकि वो इस देश की, इस खूबसूरत देश की सेवा कर सके। आइए देखते हैं वो वीडियो।
मैं मेघा डरवाल, एसएससी जीडी 2018, मेडिकल फिट कैंडिडेट, जिला बालाघाट, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराने आई हूँ, जो एनसीसी के बोनस नंबरों को लेकर है। जैसे कि एनसीसी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को, और जब पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था 1965 और 1971 के युद्ध में, पाकिस्तान और भारत के युद्ध में एनसीसी को दूसरे नंबर की पंक्ति में रखा गया था। फिर भी आज एसएससी जीडी 2018 हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, ड्राइवर जैसी दूसरी भर्तियां, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, इन भर्तियों में एनसीसी के नंबर क्यों नहीं दिए जाते? जब एक विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज में एनसीसी लेता है तो वो इसीलिए एनसीसी लेता है ताकि वो आगे चलकर कोई भी वर्दी वाली जॉब करे तो उसमें उसे एनसीसी के बोनस नंबर दिए जाए। फिर भी आर्मी के अलावा सीआरपीएफ की कोई भी भर्ती हो, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम रायफल, एनआईए, इन सभी भर्तियों में एनसीसी के नंबर नहीं दिए जाते। आखिर क्यों? जब एक विद्यार्थी एनसीसी लेता है वो अपने स्कूल के 2 साल और कॉलेज के 3 साल एनसीसी में सभी चीजें सीखता है, उसे शस्त्र चलाने से लेकर परेड कराने तक की सभी चीजें सिखाई जाती है, तो फिर इन भर्तियों में एनसीसी के नंबर क्यों नहीं दिए जाते? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएससी जीडी 2018 की, जिसमें मैं मेडिकल फिट होते हुए भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि एनसीसी के नंबर उसमें ऐड नहीं किए गए। आज अगर एनसीसी के नंबर ऐड किए जाते तो मुझे भी वर्दी मिलती, मैं भी वर्दी पहनती और देश की रक्षा करती। क्योंकि मैंने 3 साल एनसीसी इसलिए नहीं ली थी कि मैं फ्री का नाश्ता करूं या सरकार के पैसे से नेशनल ट्रैकिंग कैंप करने जाऊं। मैं नेशनल ट्रैकिंग कैंप कर चुकी हूं सिक्किम में, और ऐसे कई कैंप सरकार लगाती है जो एनसीसी के बच्चों को नेशनल से लेकर इंटरनेशनल कैंप तक कराती है। तो सरकार ये क्यों नहीं चाहती कि एनसीसी को मान्यता दी जाए और एनसीसी के जो नंबर हैं वो वर्दी वाली हर भर्ती प्रक्रिया में जोड़े जाएं? तो बस सरकार से यही मांग है कि आप एसएससी जीडी 2018 ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दे। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। जय हिंद, जय भारत।